हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। इस उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में पेट 2023 में सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन के क्या आंसर थे देख लेते हैं। 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो देख लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, रखा है इस प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन 1 दिया हुआ है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। दूसरा क्या दे रखा है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, गांधी बाग में किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। तो क्रेडिट लाइन का अनावरण कहाँ किया है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉल लॉन्च की गई है। तो ये किसने लॉन्च किया, ये श्री कुशविंदर बोहरा जी ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने एक पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी, ओम लिंगला दर्रा का, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है निम्नलिखित में से किस से हाल ही में ललितपुर नेपाल व आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संचयिका दिवस, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है, तो नया सदस्य कौन सा, क्यूबा नहीं बना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है, आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपैक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ओपैक की स्थापना के लिए सम्मेलन और बगदाद में, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में कौन सी है,
तो ये कौन सी है? अंग्रेजी पहली नियोजित भाषा, यहाँ पे क्या होगी? अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो केवल एक ही बार वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? पहले भारतीय बने तो ये किस में थे? कुश्ती में, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डोना पोला गोवा में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? लाला हरदयाल ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उस जल डमरू का नाम बताएं जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक सुंडा जल डमरू मध्य। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है? ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों और दृष्टदूती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है, तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मवर्त के नाम से जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वाल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं, यह पिथौरा का अर्थ है? तो यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी अन्न के देवता से। ठीक है, अब एक गद्यांश 22 से 26 का दे रखा है, तो हम केवल आंसर बता दे रहे हैं आपको, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर केवल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस गद्यांश के आधार पे यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचारों में अपने समय में बहुत आगे थे, वाक्य का प्रकार है यहाँ पे, वाक्य का प्रकार यहाँ संयुक्त होगा। ठीक है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों के अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक है? तो इस गद्यांश के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना। इस गद्यांश के अनुसार क्या है? मानवता कब खिल उठती है? तो इस गद्यांश के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में भी गद्यांश दे रखा है 27 से 31 तक, तो मैं 27 से 31 तक पूरे क्वेश्चंस को आप लोगों को बता देता हूँ। इस गद्यांश के अनुसार क्या होगा आंसर? इसमें भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? परिश्रम शब्द यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और परिश्रमी होता है विशेषण, तो यहाँ संज्ञा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? इस गद्यांश के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीस है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी को मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश के अनुसार जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय लेते हैं उन्हें कायर व्यक्ति, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब DI का पोर्शन शुरू हो जाता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे केवल आंसर्स बताऊँगा, फिर जल्दी ही मैं इनके सोल्यूशंस की लेने ला के कल तक मैं इनके सोल्यूशंस की आप लोगों को एक वीडियो भी दूंगा।
देख लेते हैं, ये डीआई के क्वेश्चन है, देखते हैं डीआई के क्वेश्चंस में। अभी मैं केवल आंसर ही बताऊंगा, सोल्यूशन आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो इसमें देखते हैं, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में लगा, क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर ए 80/29 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को करने में न्यूनतम समय लेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी चमन और रमेश है। स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं, कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपके क्या होगा, सी, ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और डी इसमें का और 80/29 इसमें का, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में सही हो जाएगा 750 ऑप्शन नंबर सी। 36 में ऑप्शन नंबर ए 15 दिन सही हो जाएगा, ठीक है। 35 से 41 तक एक दूसरी डीआई दे रखी है जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यह वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2008 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1680। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पहला ऑप्शन सही है, 23:27:27:27:21:22:20। अब क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर बी सही है, 1:5। और क्वेश्चन नंबर 40 में कितना सही है, 5%, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में 20,800 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 20,800 इसका था 5%, इसका था 1.5%, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डीआई दे रखी है जो 42 से 46 तक है, जिसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 47.75, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 43 को देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए 65.9 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 56.59, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब 800। ये किस प्रकार आया, मैं आप लोगों को जल्दी ही इसकी डिटेल वीडियो दूंगा, अभी मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियो जल्दी ही इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा किस प्रकार से आंसर आए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, दुकान द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट है, तो इसका इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 91:57, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब 47 से 51 तक एक और तालिका टेबल का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2020 से 21 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 50वें क्वेश्चन का आंसर डी है 38.33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर सी 212.225 करोड़, ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो स्वतंत्र भारत में कहा गया है, तो इसलिए ये पहला होगा रोपड़, यहाँ से कि स्वतंत्र भारत में कहा है इसलिए पहला हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 54 खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो किस राजवंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर एक सैयद वंश से संबंधित था। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी, तो 1800 में कोलकाता की गई थी रिचर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो बारडोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। देख लेते हैं नीचे, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में हुई थी, तो बी चौथे का बी किस में आ रहा, चौथे का बी ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तो मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पे हैं? तो वर्तमान में वो बल्लभी गुजरात, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दे रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार का अधिनियम 1935 और, तो इसमें क्या था, ये बर्मा सरकार अधिनियम, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसे निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जाना जाता है? तो इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 60 में क्या दे रखा है, वर्ष 1922 में सहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्हें कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो साधारण कारावास कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इस परत को क्या कहते हैं, वाटर लेवल, मतलब जल स्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 62 में क्या देगा, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये पूर्वी एशिया आए थे राज बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 63, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलहट से बना है? तो ये इसमें हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 64 में क्या दिया, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है? तो भूरा ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में दे रखा है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर साल में 7 साल में एक बार दिखाई देती है, यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है यहाँ पे क्या, बाल मसीह है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या देगा, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अटाकामा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया है? तो EPZ कहाँ स्थापित किया गया, कांडला गुजरात, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 68 पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य, खाद्यान्न उत्पाद में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह सफल रहा? तो इसमें कौन सी हो जाएगी, सातवीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, M. विश्वेश्वरैया, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इस ऑपरेशन का हिस्सा कौन नहीं था, बेंगलुरु, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्यक्ष चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अध्याय 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्वाह प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी इनपुट क्रेडिट कर इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो केवल एक ही शक्ति है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चालक की आर्द्रता पे नहीं निर्भर करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद 176, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड। तो क्वेश्चन नंबर 78 का, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये केवल एक ही है, स्टार फिश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो हम केवल अभी आंसर बता दे रहे हैं, बाद में आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक्स की किस मान के लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 63। इसमें क्या होगा, 81 में ऑप्शन नंबर बी 288 सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है 62, कच्चे आम में निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीजोमीटर, ठीक है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, सिनेप्स, सिनेप्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। 85, ये एक रेशियो का है, तो रेशियो के क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा बी, 56.5 kg। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आएगा 0.8, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाथ को हाथ न सूझना, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत घना अंधेरा होना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 88, पितृ प्लस इच्छा योग में से कौन बना है? तो पितृ प्लस इच्छा से क्या बनेगा, पितृ इच्छा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के प्रकार, तरंगिणी मतलब नदी, तो तरंगिणी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सरिता तटनी निम्नगा, यही है इसके, ठीक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो शिव का धनुष पिनाक, पिनाक धनुष, ठीक है, कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को कुहू, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। पूछा गया शब्द नहीं है, इसलिए नहीं बताना था, तो यहाँ नहीं हो जाएगा, पूर्णिमा की रात कुहू। क्वेश्चन नंबर 91 में निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत आप लोगों को बताना है, तो वात्स्यायन का कामसूत्र है, जयशंकर प्रसाद का लोकायतन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, ठीक है। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 92 में, ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लेप्टोमेनियाक, ठीक है। 93, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, विराट प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिसाइड्स फुटबॉल, ठीक है। पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी ये कुछ इंग्लिश में पैराग्राफ दे रखा है, इसके अनुसार आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, तो क्या है, धर्म चक्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्बलम, तो इसका क्या हो जाएगा, टाइगर, ठीक है, टाइगर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता इसका एकदम सही आंसर है। 10:25 बजे घड़ी के सुइयों के बीच प्रतिवर्ती एंगल क्या होगा, तो प्रतिवर्ती एंगल इसका 197 सही, 1/2 degree होगा। अब अगला क्वेश्चन 100वां है, इसमें देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिमल के बाएं छोर से 13वें स्थान पर, बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर, ये इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ठीक ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो थे
28 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर का सलूशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको कल नए क्वेश्चन पेपर के सलूशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।